देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तिरंगा फहराया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुलिस की परेड लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। भारी बारिश के बावजूद पुलिस बल का जोश नहीं टिका और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले भारत माँ के वीर सपूतों को याद किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज देश ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के जरिए लोगों को देश की आजादी में बलिदान हुए वीरों को याद करने की मुहिम को छेड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में कई वीर सपूतों ने शहादत दी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारी संघर्ष के साथ देश को आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की पीढ़ी को देश की आजादी के महत्व पता लगे, इसके लिए हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीर सपूतों को याद किया जाता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आज भारत की आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस हम इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मना रहे हैं। सारा देश आज तिरंगामय है, हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, अलग अलग तरीकों से देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और मैं उन सभी शहीद बलिदानियों को विनम्र जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण आज भारत आज़ादी के 75 वर्ष जो है वो पूर्ण कर चुका है। अंग्रेज़ों के समय हम जानते हैं कि किस प्रकार से रॉलेट एक्ट जैसे कानून बना करके जलियांवाला बाग जैसे बड़े बड़े जो है नरसंहार हुए। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी जैसी जो है वो वीरांगनाएं इस देश की आज़ादी के लिए जो है वो कसरत करके जो है वो बलिदान हुए और इस देश को आज़ादी की प्राप्ति के लिए सारे देश में जो है वो जागृत करने के लिए लाल पाल बाल जैसे जो है वो महान नेताओं ने संघर्ष किया। पूज्य महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी की राह पर जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ाया और अंत में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद और विदेश में ही एग्जाइल में आज़ाद भारत की घोषणा के बाद और नेवी में हुए सशस्त्र विद्रोह के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है और भारत